अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा का विषय ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भले ही काराकाट से चुनाव हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना नहीं चाहती है। चर्चाएं तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये चल रही है कि हार का ठीकरा जो है उनके पार्टी के तरफ से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के तरफ किया जा रहा है। खास तौर पे पवन सिंह को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं कि पवन सिंह पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब वो भाजपा के कार्यकर्ता थे तब उन्होंने नॉमिनेशन वहां पर फाइल किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई न करके उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया है। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज चल रही है, लेकिन ये भले ही नाराजगी बिहार बीजेपी और बिहार एनडीए गठबंधन के पार्टियों के साथ हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्र की मोदी सरकार को देख रहे हैं। और जब उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तब नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में सभी सांसदों के साथ एक बैठक कर रहे थे, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने कुशवाहा का पीठ थपथपा दिया। यानी कि अब उपेंद्र कुशवाहा बिहार नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े प्रासंगिक के रूप में नजर आ सकते हैं। और इसके लिए भले ही बीजेपी बिहार उनके लिए कोई तैयारी न करे, लेकिन दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के लिए तैयारी बड़े जोरों शोरों पर चल रही है। और इस वजह से बिहार में जो एनडीए गठबंधन दल के अंदर छोटी छोटी बातें निकल के सामने आ रही है, जो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई की वजह बन जाएगी, उस पर उपेंद्र कुशवाहा प्रतिक्रिया लगातार देते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बैठक जो चली है, इस बैठक के बाद उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि शाहबाद के 6 सीटों पर कैसे एनडीए गठबंधन हार गया, उस पर समीक्षा हुआ है। और समीक्षा में ये बातें कही गई हैं कि जदयू के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए, बीजेपी के वोट जदयू को ट्रांसफर नहीं हुए, और साथ ही एनडीए घटक दल के अन्य जो साथी हैं उनके वोट बैंक भी अन्य दलों को ट्रांसफर नहीं हो पाया है, जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है। अब ये समाचार जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है तो उपेंद्र कुशवाहा भला शांत कैसे रह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना ये है कि ये सब घर की लड़ाई है और घर की लड़ाई को अगर हम घर में ही रख कर सॉल्व कर लें तो हमारे बीच भी जो मनमुटाव जैसी स्थितियाँ हैं वो उत्पन्न नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि कल एक बीजेपी का बैठक हुआ था और इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, या फिर डिप्टी सीएम की बातचीत की जाए, वो मिथिलेश तिवारी जो बक्सर में उम्मीदवार थे सांसद के, वो भी बैठे थे। और इसमें ये निकल के सामने आया है कि शाहबाद की 6 सीटों पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन स्थितियों में जो वोट ट्रांसफर की बात मैंने कही है, इस वजह से वहाँ पर चुनाव हम हार गए हैं। और इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना बढ़ा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु यह हमारा एनडीए का आंतरिक मामला है। इसका मकसद हमारी कमियाँ ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है, उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा ही। अतः हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरफ बिहार को एक बार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, भले ही बीजेपी बिहार उपेंद्र कुशवाहा की बातों को सीरियस ना ले, लेकिन इतना तय मानिए कि केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय नेतृत्व की टीम ने उपेंद्र कुशवाहा को जरूर कुछ सांकेतिक मैसेज दिया है। और तभी तो 48 घंटे के अंदर में उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक्टिविटी दिखाई है वो देखने लायक बनती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर जो ट्वीट उनका था कि गरीबों के मसीहा, गरीबों के कल्याणकारी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था
ठीक 12 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन्होंने जवाब दिया, और अब ये जवाब एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव है, विधानसभा चुनाव उनको एनडीए के साथ ही लड़ना है, इतना तय मानिए। आपको क्या लगता है राय रखिए कमेंट में, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।